अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो ट्यूटोरियल में चल आपको बताएंगे कि चेकआउट के ऊपर चेकआउट पेज पे हम उसके हुक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर अपनी कोई फील्ड और कोई मैसेज शो कराना है चेकआउट पेज पे तो हम कैसे करा सकते हैं। वो कॉमर्स का चेकआउट पेज होता है हमारा, जो आफ्टर कार्ट पेज आता है इस पेज के बाद जो हमारे पास आता है प्रोसीड टू चेकआउट के बाद। ठीक है, अब हमने हुक्स की तरफ आते हैं दोस्तों। ये इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा इस वेबसाइट का। ये चेकआउट के हुक से बारे में बता रहा है कि भाई बिफोर चेकआउट फॉर्म, जो कि एक मैंने मैसेज प्रिंट कराया हुआ है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये मैंने एक हुक लगाया है, उसका पहला हुक था, लेकिन ये कूपन बॉक्स के ऊपर आ रहा है, ये देखिए, तो ये इशू नहीं है। इसकी अलाइनमेंट सेट हो सकती है, हम करना चाहें मर्जी है वरना पे से दिखाने के लिए हमारा हुक चल रहा है, सही है। आते हैं नेक्स्ट, चेकआउट बिफोर कस्टमर डिटेल्स, ये वाला हुक यूज़ करते हैं दोस्तों। तो ये हमारे पास आ गया है, यहाँ पे कौन सा हुक यूज़ किया, चेकआउट बिफोर कस्टमर डिटेल्स, यानी कस्टमर डिटेल एंटर करने से पहले। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं बिफोर चेकआउट बिलिंग फॉर्म, यानी कि चेकआउट बिलिंग फॉर्म से पहले ये फील्ड आनी चाहिए, ये देखिए दोस्तों, चेकआउट बिलिंग फॉर्म से पहले ये आपकी फील्ड आ गई है हेलो वर्ल्ड की। इसी तरह दोस्तों बढ़ते हैं चेकआउट आफ्टर बिलिंग फॉर्म, यानी कि आफ्टर बिलिंग फॉर्म के बाद जो स्पेस होगी उधर ही आपका आना चाहिए, ये देखिए, काफ़ी इजी हो गया दोस्तों। पहले ही हमें कस्टम कोड ढूंढना पड़ता था या फिर टेम्पलेट में आगे काम करना पड़ता था वो कॉमर्स के, अब इजीली हमें कोई टेम्पलेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली इसके हुक्स यूज़ करते हुए क्या कहते हैं, अपनी कोई भी मैसेज, कोई भी फील्ड, कोई भी इंस्ट्रक्शन देना चाहें, HTML अपनी प्रिंट कराना चाहें, कोई फील्ड दिखाना चाहें, वो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं ईज़िली फंक्शन डॉट PHP के अंदर अपना कोड यूज़ करते हुए। ये बिफोर चेकआउट शिपिंग फॉर्म है, ये आई थिंक शिपिंग चलेगा, ये देखिए, ये शिपिंग की फील्ड्स बताई हुई है इन्होंने, आफ्टर चेकआउट शिपिंग फॉर्म में, ये थिंक यहीं पे ही होगा, ये नीचे चले जाएगा। इसको नीचे जाना चाहिए, शिपिंग करा और ये नीचे आ गया, ठीक है, आ गया बिफोर ऑर्डर नोट्स, ये ऊपर ही आएगा, यहीं पे शो होगा, ये यहीं पे रहेगा, ये ऑर्डर नोट्स की जगह पर, आफ्टर ऑर्डर नोट्स यानी कि नीचे आ जाएगा अब ये, तो आफ्टर ऑर्डर नोट्स इसके हेड स्पेस इसके नीचे आ गई। मैं दोस्तों आपको हुक्स की प्लेसमेंट दिखा रहा हूँ, किस तरह हुक्स चल रहे हैं क्या है, आपको मज़ीद कोई कस्टमाइजेशन करनी हो तो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं इसके अंदर। ये सिंपली आपको मैसेज शो करा रहा हूँ ये हुक्स कहाँ कहाँ किस तरह काम कर रहे हैं, ये देखिए कौन सा हुक्स यूज़ किया हमने, चेकआउट आफ्टर कस्टमर डिटेल्स, चेकआउट आफ्टर कस्टमर डिटेल्स के बाद ये यहाँ पे आ गया, ऑर्डर रिव्यू के अंदर ये यहीं पे घूमता रहेगा इस प्लेस में। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये और ऑर्डर के बाद आ जाएगा ये, ठीक है दोस्तों, अब ये यहीं पे घूमता रहेगा एंड तक, फिर मैं आता हूँ, ये आप हुक्स को चेक कर लिया, लेकिन ये इसकी प्लेसमेंट एक ही जगह रहेगी, टोटल रिव्यू टोटल लास्टर, ठीक है, ये देखिए एक ही जगह है प्लेसमेंट। हम आते हैं रिव्यू ऑर्डर बिफोर सबमिट, ये देखिए नीचे आ गया रिव्यू ऑर्डर बिफोर सबमिट, तो ये ऊपर रिव्यू वाला जो सेक्शन है ये सारा ऊपर चेक पेमेंट से, ये एक ही जगह से प्लेसमेंट रहेगी ऑर्डर के बाद, अब प्लेस ऑर्डर के बाद अब ये चीज चली जाएगी, तो प्लेस ऑर्डर के बाद हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने कोई कस्टम काम किया था पुराना, तो ये वो शो करा रहा है कोई कोड प्लगइन जो कोई वो है शॉर्ट कोड है, तो मैंने कौन रिव्यू आफ्टर आफ्टर पेमेंट है, तो आई थिंक ये यहीं पे रहना चाहिए इसको, ये यहीं पे रहेगा एंड तक, अब आगे कोई प्रोसेस नहीं आफ्टर चेकआउट फॉर्म, तो आफ्टर चेकआउट फॉर्म पे भी इसको नीचे आ जाना चाहिए,
ये देखें यहीं पे ही रहेगा, ये एंड हो गया यहाँ पे फॉर्म हमारा। दोस्तों ये बड़ा इजी है कि आराम से हम इसमें अपनी कोई फील्ड ऐड कराना चाहते हैं, कस्टम मेटा बॉक्सेस। तो आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा मैं, और ACF एडवांस कस्टम फील्ड के थ्रू कोई फील्ड शो कराना चाहते हैं। सिंपली यहाँ पे अपना जो आपने ACF में फंक्शन का नाम रखा हो, फील्ड का नाम रखा होगा, वो फंक्शन यूज करते हैं, यहाँ पे उसको इको कराएं, तो सिंपली आप अपने फील्ड जाके वहां से वैकेंट से इसको फिल करेंगे, तो यहाँ पे आपकी वो फील्ड फिल होके आ जाएगी। और सिंपल आप जैसे वहां से चेकआउट चलता है, वो चेकआउट के अंदर वो फील्ड शो हो जाएगी। दोस्तों आपको मैंने कहा था कि एक वेबसाइट बताऊंगा जिसमें आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि हुक्स की अच्छी वेबसाइट है ये, जिसमें WooCommerce के हुक्स भी हैं और दीगर प्लगइन्स के हुक्स भी हैं। तो मैं WooCommerce के हुक्स पे आता हूँ, वर्डप्रेस के अपने हुक्स हैं काफ़ी डिटेल में। सिंपल क्या है, ये देखिए एडमिन के हुक्स आ गए, और हम करते हैं इसको WooCommerce ऑल है ये, ऑर्डर कंट्रोल एफ करा ऑर्डर। अब देखिए ये एडमिन ऑर्डर के हुक बता रहा है, एडमिन ऑर्डर के अंदर जो है WooCommerce के एडमिन ऑर्डर आ रहा था वो सारे हुक्स उसके बता रहा है। तो यहाँ से हम इजीली देख के अपना हुक यूज करते हुए, यहाँ से कोड के सैंपल को यूज करते हुए सिंपल ये कॉपी करना है इसको, और अपना यूज करना है इसको। इससे जो फंक्शनलिटी आप रखना चाह रहे हैं, कोई चीज प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। ये बता भी देता है भाई ये एक्शन डिफाइंड है यहाँ पे, इस तरह मतलब ये इसका वो ये वाला हुक यहाँ पे डिफाइंड होता है, ठीक है। तो ये देखें पूरी इसने इसकी वर्किंग बता दी इसकी, तो इजली हम यहाँ पे इसकी फाइल्स में आगे देख सकते हैं। आप कस्टम देखना है बैकएंड से इसकी फाइल्स में, वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें, और अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।